खिला के, फिर यहाँ पर, यहाँ पर हमने थोड़ा सा माशाल्लाह एजाज भाई अपनी गाड़ी की अच्छी धुलाई कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ के दुकानें, यहाँ के रोड, अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार हमें पेट्रोल मिल गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, खुशामदीद करता हूँ आप लोग को फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं, आज हम जा रहे हैं चाबहार। तो आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं चाबहार। जैसे मैंने कहा था कि मैं मौजूद हूँ ईरान में, तो चाबहार ईरान का एक शहर है जो सिस्तान बलूचिस्तान में है। तो आज हमने इरादा किया था हम चाबहार जाएंगे। हमारे साथ हमारे कुछ दोस्त वगैरह भी हैं, नासिर भाई, अहमद भाई और एजाज भाई हैं। चलो हम निकल रहे हैं और चाबहार में जो भी खुद देखेंगे, विज़िट करेंगे। फर्स्ट टाइम मैं चाबहार जा रहा हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों को भी दिखाता हूँ चाबहार की खूबसूरती। अभी दिन के 2 बज रहे हैं, अभी दिन के 2 बज रहे हैं, इंशाल्लाह 5 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे हम। मतलब 7 बजे 8 बजे हो सकता है इंशाल्लाह ताला, अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह बीच में ना हो इंशाल्लाह ताला पहुँच जाएंगे। अरे मेरे को कोट इज़ यार चाबहार सार दे ठीक है ना, सार दे कोट इज़ पर सार दे मैं कोट है तो सही है भाई। एक्चुअली यहाँ पर बलोची जुबान का भी इस्तेमाल होगा, जिसको समझ में आता है इंशाल्लाह समझ में आएगा, जिसको नहीं आता है तो वो भी हम समझा देंगे इंशाल्लाह। वैसे तो यहाँ का कानून है कि हम मतलब जो लाइन लगा हुआ है अगर उस लाइन में आएंगे तो हमें पेट्रोल मिल सकता है, लेकिन हम बगैर लाइन का कोशिश करें क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मसला बहुत गड़बड़ हो गया, पेट्रोल नहीं मिलेगा। देन से हो गया। तो भाई हम जुगाड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, बस हम छोटा सा कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें पेट्रोल मिल जाए। दुआ करते हैं कि मिल जाए तो टाइम बच जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो और कोई रास्ता नहीं है, लाइन में खड़ा रहना ही पड़ेगा। अगर नहीं मिला तो हम वापस जाएंगे। अभी हम पेट्रोल ये चेक पोस्ट
अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार ये लोग मान गए। हमने कहा कि हम मुसाफिर हैं, हमें पेट्रोल चाहिए, तो आखिरकार ये लोग मान गए माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार हमें पेट्रोल मिल गया। हमने इनसे कहा था कि हम मुसाफिर हैं, हमें पेट्रोल चाहिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लाइन में खड़ा रहें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। ये जाज भाई हैं जो पेट्रोल भर रहे हैं। 7 लीटर हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने पेट्रोल भर दिया, अब हम निकलेंगे आगे के सफर के लिए इंशाल्लाह ताला। जमीन कब से चल रही है दूसरी ओर। ओके गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को पेट्रोल मिल गया, बस अभी चाबार तक कोई मुश्किल नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। बाकी हमारे साथ मिजाज भाई हैं और नज़ीर भाई हैं, इन्होंने बहुत कोशिश किया ताकि हमें पेट्रोल मिल जाए। अगर बहुत आसानी से मिल गया दोस्तों, अगर ये लोग नहीं होते तो पूरा दिन यहीं चला जाता। हाँ तो भैया अभी हम आए हुए हैं एक एरिया में, हम सोचे थे यहाँ पर जिससे टॉयलेट वॉयलेट यूज कर लें और थोड़ा सा खाना वाना भी हो जाए। हाँ तो भैया अभी हम आए हुए एक इलाके पे, यहाँ पर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और हमने सोचा कि बाथरूम वगैरह भी यूज़ कर लें, यहाँ से आगे फिर हम जाके अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आगे हमें कितना टाइम लगेगा पता नहीं, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम है, मैं खुद चाबहार जा रहा हूँ, लेकिन हमारा आखिरी जो मंजिल होगा वो चाबहार में ही होगा। उसके बाद देखते हैं इंशाल्लाह, साथ में ही रहना, लोग आखिर तक देखना।
हाँ तो भैया अभी हम मौजूद हैं काफा बलोची, ये जो शहर है। हाँ तो गाइस ये जो आप लोग गाड़ियाँ देख रहे हो ये यहाँ से डीजल वगैरह बाहर करते हैं, तो डीजल वगैरह फुल करते हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान जाते हैं तो बाद पंजगुर वहाँ खाली करके वापस आते हैं। खुद ही देख सकते हो माशाल्लाह इजाज़ भाई अपनी गाड़ी की अच्छी धुलाई कर रहे हैं अपनी गाड़ी को वॉश कर रहे हैं। अंश के दूर है चिदा तकरीबन 300 और 300 किलोमीटर और हमें चलना पड़ेगा, मतलब 300 किलोमीटर तो 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30, 12-1 बजे पहुंच जाएंगे, 12-1 बजे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत दूर है, अभी हम मौजूद हैं काफा बलोची, यहाँ पर कुछ इस तरह का ही नाम है क्योंकि ज़्यादातर बलोचों का ही ये इलाके एरिया यही होते हैं। चाबहार तक, चाबहार से आगे चाबहार से आगे फिर वहाँ फारसी वगैरह इनका शहर है, चाबहार तक बलोचों का ही शहर है। ओके गाइस तो अभी हम निकल रहे हैं माशाल्लाह आगे की सफर के लिए। तो रे मैं स्कैल्ड तैयार हूं।